नमस्कार दोस्तों, जय श्री ओम पन्नासम। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी पौराणिक कथा बताने वाला हूँ जो बहुत ही रोचक है। हमारे शास्त्रों में वैसे तो बहुत सी कहानियाँ भरी पड़ी हैं, लेकिन हमें उनके बारे में ज्ञात नहीं है। आज की यह कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऋषि थे विभांडक, जिन्होंने अपने जीवन के आधे हिस्से से ज़्यादा तक किसी स्त्री को देखा तक भी नहीं था। जब देखा तो उनका मन व्याकुल हो गया। अगर आप ये कहानी, ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ आगे भी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऋषि थे विभांडक, उन्होंने घोर तप किया। उनके तप से इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र को बेचैनी हुई कि कहीं अपना सिंहासन न छिन जाए, तो इंद्र ने अपनी खास अप्सरा उर्वशी को विभांडक ऋषि का तप भंग करने के लिए भेजा कि जाओ पृथ्वी लोक पर जाओ और विभांडक ऋषि का तप भंग करो। तभी उर्वशी इस पृथ्वी लोक पर आती हैं और जहाँ पर विभांडक ऋषि तप कर रहे होते हैं उनकी तपस्थली पर जा पहुँचती हैं और अपने लुभावने यौवनान अंगों को दिखाती हैं और ऋषि को उत्साहित करने की कोशिश करती हैं, अपना हर प्रयास करती हैं। आखिर में ऋषि का तप भंग करने में उर्वशी कामयाब हो जाती हैं और ऋषि और उर्वशी का उसी समय समागम हो जाता है और लंबे समय तक चलता रहता है। और समय पूरा होने के बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उसका नाम रखा उन्होंने ऋषि श्रृंग, और वह ऋषि श्रृंग को विभांडक ऋषि को सौंप कर उर्वशी वापस स्वर्ग लोक को आ गई। उसके बाद जब विभांडक ऋषि को पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और पूरी नारी जाति को उन्होंने दोषी ठहराया और ऋषि विभांडक अपने पुत्र को लेकर एक किसी घोर बड़े जंगल में चले गए थे। वह जंगल राजा रोमपाद की सीमा में लगता था। वहाँ पर वह तप करने लगा। वह अपने पुत्र ऋषि श्रृंग को किसी स्त्री की छाया भी पड़ना नहीं चाहते थे। तब वह तप करने लगे और उनके तप से राजा रोमपाद के राज्य में घोर अकाल पड़ गया। तब उन्होंने अपने ज्ञानीजनों से इस बात का पता लगवाया तो उन्होंने कहा कि आपके राज्य में विभांडक ऋषि तप कर रहे हैं, उनके तप के कारण ही बरसात नहीं हो रही है और अकाल पड़ गया है। अगर आप उनके पुत्र ऋषि श्रृंग को अपने राज्य में जंगल से निकाल कर ले आओ तभी हमारे राज्य में वर्षा हो सकती है। तब राजा ने अपने महल की गिनी चुनी दासियों को, सुंदर दासियों को बुलाया और ऋषि श्रृंग को प्रभावित करने के लिए बोला। तभी उनकी दासियां जंगल की तरफ चली गई। तभी ऋषि श्रृंग घूमने के लिए जंगल में जा रहे थे, तब उन्हें उन दासियों को देखा तो उन्होंने पहले तो कभी स्त्री को देखा ही नहीं था, वह तो अपना गुरु भाई समझ रहे थे उन्हें। तब उन दासियों ने उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की, अपने तरह तरह के नृत्य किया और उत्साहित करने की कोशिश किया। तब उन्होंने कहा कि हे ऋषि श्रृंग, आप हमारे राज्य में आए, आपका स्वागत किया जाएगा। तभी ऋषि श्रृंग बोले कि मैं जरूर आऊँगा। उसके बाद विभांडक ऋषि को बिना बताए ऋषि श्रृंग राजा रोमपाद के राज्य में चले गए। तभी राजा रोमपाद ने वह कहानी बताई कि आपके पिता के घोर तप से हमारे राज्य में घोर अकाल पड़ा हुआ है और आप हमारे राज्य में आए हैं, इसलिए हम आपका विवाह हमारी पुत्री के साथ करना चाहते हैं, आपको मंजूर है? तब ऋषि श्रृंग ने कहा कि मुझे मंजूर है। इस बात का पता जब उसके पिता विभांडक ऋषि को चला तो वह बहुत क्रोधित हुए। तब विभांडक ऋषि राजा रोमपाद के दरबार में गुस्से की अवस्था में पहुंच गए। आगे जाकर देखते हैं तो मंडप में
उनका पुत्र ऋषि श्रृंग और राजा की पुत्री का विवाह हो रहा है। तभी राजा ने और सबने ऋषि से माफ़ी मांगी। तब उनका गुस्सा जाकर शांत हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रभु की यही इच्छा थी। तब वह शांत हो गए और अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया। तो ये आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।